आगामी दिनों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना होगा, एक पूरा दिन ऑफिस से छुट्टी भी नहीं लेनी होगी। इतना ही नहीं, अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव किया है। आइए जानते हैं क्या है यह बदलाव। बता दें, अभी तक आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई से बदले गए नियमों के अनुसार अब ऐसा करना अनिवार्य नहीं होगा। मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार अगर आप अपने किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर से ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO जाकर टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही आपको बता दें, सरकार ने भी अब राज्यों के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब 2-व्हीलर और 4-व्हीलर को चलाना और सीखना और भी आसान हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक अब अगर आप हल्के मोटर वाहनों को सीखने की इच्छा रखते हैं तो उस कोर्स के लिए 4 सप्ताह में 29 घंटे ड्राइविंग करनी होगी। इसके साथ ही 28 दिनों के अंदर ही आपको ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी। इन सब के चलते अगर ड्राइविंग सेंटर द्वारा आपको पास कर दिया गया है तो आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए कोई भी टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं अगर बात की जाए हैवी मोटर वाहनों की, तो इनको सीखने की अवधि 6 सप्ताह में 38 घंटे की तय की गई है। ड्राइविंग सीखने में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही शामिल किए गए हैं। जयपुर से भावना मिश्रा की रिपोर्ट।